अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया का बहुत ही खूबसूरत, हसीन और रोमांटिक पाइपलाइन ट्रैक की सैर कराएंगे, तो आ जाइए। ये ट्रैक डोंगा गली से भी स्टार्ट होता है और अयोध्या से भी। आप दोनों जगह से इस ट्रैक को एंजॉय कर सकते हैं। ट्रैक के स्टार्ट में ही आपको टक शॉप भी नजर आएगी, जहां से आप रिफ्रेशमेंट का सामान भी खरीद सकते हैं। वेलकम टू पाइपलाइन ट्रैक डोंगा गली साइड। ये आप एक खूबसूरत सा बोर्ड देख रहे हैं जिसपे जड़ी बूटियां बनी हुई हैं और इनके बायोलॉजिकल नेम भी लिखे हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटियां, कौन कौन से पत्ते, कौन कौन से फूल पौधे, कौन कौन से दरख्त यहाँ हैं, वो सब इस ट्रैक पे मौजूद हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो हमें एक सोवेनियर शॉप, जो कि एक टिकट शॉप भी है, जहाँ से हमने टिकट लिया, जो कि बड़ों के लिए था 20 रुपीज़, बच्चों के लिए 10 रुपीज़ और फॉरनर्स के लिए 500 है। यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगे हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने साथ आपने कोई भी पैट लेके नहीं जाना है, कोई स्मोकिंग, कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा आप यहाँ पे कोई कुकिंग भी नहीं कर सकते हैं। चार किलोमीटर का ये खूबसूरत ट्रैक इंतहाई हमवार है, जिसको बआसानी बच्चे, बूढ़े, जवान सब तय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, ये ट्रैक ब्रिटिश दौर में बनाया गया है और इसका मकसद अयोध्या में फौजी यूनिट को पानी की फ्राहमी था, इसी वजह से इसे पाइपलाइन ट्रैक कहते हैं। इस खूबसूरत ट्रैक पर आपको रंग बिरंगे परिंदे और रंग बिरंगी तितलियाँ देखने को मिलेंगी। इस ट्रैक पर सिक्योरिटी वाले भी बैठे हुए हैं, अगर आपको कोई इमरजेंसी हो तो आप 1422 पे कॉल करके सिक्योरिटी को बुला सकते हैं। इस ट्रैक के एंड पर जाएं तो 1891 की बनी हुई एक खूबसूरत टनल मिलती है, जो डोंगा गली के इस ट्रैक को खानसपुर से मिलाती है। वाकई गलियात रीजन का ये ट्रैक एक रोमांटिक ट्रैक है। इस ट्रैक की लैंडस्केपिंग बहुत ही वर्सेटाइल है। यहाँ हर सू हरियाली और सुकून है। इस ट्रैक पे आप जब अपने बच्चों को साथ लेके जाएं तो आपने अपने बच्चों का खास ख्याल रखना है। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सेफ्टीज़ हैं और जगह जगह इंफॉर्मेशन्स भी लगी हुई हैं, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि सांप है। और अगर आपने पहले कभी नहीं सुना तो मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे उड़ने वाली गुलहरी भी पाई जाती है। और ये सफ़र आपने 5 बजे से पहले पहले ख़त्म करना है, क्योंकि 5 बजे के बाद जो है वो गेट बंद हो जाता है। मगरिब से पहले पहले आपने यहाँ से निकलना है, और आपको पता है जब मौसम थोड़ा सर्दी की तरफ जाता है, ठंड की तरफ, तो मगरिब जो है वो जल्दी होने लगती है और अंधेरा जल्दी होने लगता है, तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। थोड़े ही फासले पर डोंगा गली से एक खूबसूरत आबशार हमें नज़र आई, जहाँ का पानी हमने और नज़ारे बहुत अच्छे से इंजॉय किया।
डोंगा गली बहुत ही साफ़ सुथरा है और इसके अलावा यहाँ पे आसपास में होटल्स भी बने हुए हैं जहाँ आप रात को स्टे भी कर सकते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग आप पाइपलाइन ट्रैक की ट्रैकिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत उम्दा यहाँ पे खाना भी मिलता है, आसपास टक शॉप्स भी हैं, इसके अलावा बैंक्स वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये पाइपलाइन ट्रैक की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब भी मौका मिले आप इस पाइपलाइन ट्रैक को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इसके खूबसूरत हसीन और दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।